Hello friends, welcome to my channel Home Care. Hope you all are doing fine. And let's move to our topic. ये जो आपके सामने प्लांट रखा हुआ है ये है बेजिल, थाई बेजिल. तो फ्रेंड्स, बेजिल जो होता है, थाई बेजिल क्या होता है, इसको हिंदी में मड़वा बोलते हैं. तो ये एक तरह की हर्ब है, ये मेडिसिनल प्लांट है. तो जो हमारा बेजिल फैमिली होती है, इसमें जो है कई सारी वैरायटीज़ आती हैं फ्रेंड्स. लेमन बेजिल होती है, फ्रेंच बेजिल होती है, होली बेजिल होती है जिसको हम तुलसी भी बोलते हैं, सिनेमन बेजिल, रेड बेजिल, और कितनी सारी वैरायटीज़ होती हैं. 35 वैरायटीज़ से ज़्यादा बेजिल फैमिली के अंदर होती हैं. तो इस बेजिल फैमिली के अंदर आपको 35 से भी ज़्यादा जो है वैरायटीज़ मिलेंगी. तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपके सामने प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा बेजिल फैमिली में से थाई बेजिल है, थाई टाइप ऑफ बेजिल. तो इसका जो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा एक हर्ब है, मेडिसिनल प्लांट है. और सबसे ख़ास बात है, ये बहुत सस्ता मिल जाता है प्लांट, इजीली अवेलेबल होता है और इजी टू ग्रो होता है, और कोल्ड सेंसिटिव है. इसमें ये एक जो है चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोल्ड सेंसिटिव होता है, तो ज़्यादा ठंड जो है इसको थोड़ा बर्दाश्त नहीं होती है. तो बात करूँ हाइट की, तो फ्रेंड्स 12 से 24 इंच तक इसकी हाइट हो जाती है. और इसमें फ्रेग्रेंस होती है, ये जो आप देख रहे हैं इसके जो ये फ्लावर्स हैं, ये जो है पर्पल कलर के, ये फ्रेग्रेंट फ्लावर्स होते हैं. इनको अगर आप छू लोगे और उसके बाद अपने फिंगर्स को स्मेल करोगे तो एक स्पाइसी सी जो है फ्रेग्रेंस आती है. तो कई लोगों को वो अच्छी लगती है, कुछ लोगों को वो अजीब लगती है, बट ये होती जो है हर्ब टाइप ऑफ स्मेली होती है, और हर्ब की जैसी फ्रेग्रेंस होती है वैसी सी इसकी फ्रेग्रेंस होती है. तो सॉइल की बात करूँ फ्रेंड्स इसके लिए, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, जैसा हमारे मोस्ट ऑफ दी हाउस प्लांट्स को चाहिए होती है. वेल ड्रेन्ड सॉइल आप रखेंगे तो जो है जड़ें नहीं सड़ेंगी, और सॉइल जो है उसका पीएच जो है न्यूट्रल होना चाहिए, ना वो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना बेसिक होनी चाहिए. तो न्यूट्रल सॉइल का पीएच होगा तो ये बहुत अच्छा चलेगा प्लांट. और मॉइस्ट सॉइल चाहिए, तो मॉइस्ट रखने के लिए आप सॉइल में थोड़ा कोकोपीट मिला सकते हैं, तो वो कोकोपीट या कंपोस्ट, तो उससे सॉइल जो है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है, और आपकी सॉइल में जो है नमी ज़्यादा टाइम के लिए बरकरार रहती है. तो जब भी आप फ्रेंड्स इसके लिए सॉइल प्रिपेयर करें, तो अगर आपकी सॉइल क्ले ही है तो आप उसमें सैंड ऐड कर सकते हैं, उससे उसकी पोरोसिटी बढ़ जाती है, पोरस हो जाती है वो, उसमें से जो है एक्स्ट्रा पानी आराम से आपके गमले का जो नीचे छेद होता है पानी निकास के लिए ड्रेनेज होल, उससे आराम से एग्जिट हो जाता है एक्सेस वाटर. तो रेत आप ज़रूर मिलाएं, अगर मिट्टी आपकी चिकनी मिट्टी है उसमें, और अगर रेतीली मिट्टी है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं. आप उसमें अगर 50% आप सॉइल लेते हैं तो आप उसमें 30% कंपोस्ट मिलाइए किसी भी तरह का, और अगर कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद नहीं है तो आप किसी भी तरह का कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं. 10% आप उसमें सैंड मिलाइए और 10% उसमें कोकोपीट टू रिटेन मॉइस्चर इन द सॉइल. तो सन की बात करें फ्रेंड्स, तो सनलाइट जो है इसको 6 से 8 घंटे की बहुत अच्छी लगती है सनलाइट. इसको हर दिन 6 से 8 घंटे की मिलनी ज़रूरी है, तो कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ धूप ज़्यादा आती हो. और सर्दियों में अगर कम भी हो जाती है धूप तो चल तो ये जाता है फ्रेंड्स देखिए, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी पाने के लिए आपको इसे 6 से 8 घंटे की धूप तो हर दिन देनी पड़ेगी. और जो है गर्मियों का मौसम इसे अच्छा लगता है, वार्म वेदर लवर है ये प्लांट जो है. तो सर्दी में कोशिश करें कि अगर ज़्यादा कोहरा पड़ता है, अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है, तो ऐसी जगह रखें जहाँ ज़्यादा ओस जो है इसके ऊपर ना गिरे. तो वाटर की बात करूँ फ्रेंड्स, सर्दियों में तो देखो हफ्ते में एक बार दो अच्छे से, बस वही बहुत है. और ये भी ध्यान रखना है कि सॉइल बिल्कुल ड्राई आउट ना हो जाए, ठीक है. और गर्मियों में आपको हर दिन ज़रूरत पड़ेगी इसे पानी देने की, और इन केस अगर आपकी सॉइल में मॉइस्चर बहुत टाइम तक रहता है तो बस ये देख लेना है कि सॉइल सूखनी नहीं चाहिए. जब आपकी सॉइल आपको लगे ड्राई हो रही है तब पानी दें, जब बिल्कुल गमले में एकदम गीली मिट्टी कीचड़ सी हो रही हो तब पानी बिल्कुल ना दें, ज़्यादा गीली मिट्टी में इसकी जड़ें सड़ जाएंगी. तो जब मिट्टी सूखती है, इन शॉर्ट मैं कहूँ तो जब मिट्टी सूखे तब आपको पानी देना है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी. और ये डिपेंड करता है वेदर पे कि कब इसका जो है वाटर वो सारा मिट्टी प्लांट ले लेता है और मिट्टी सूख जाती है,
तो गर्मियों में जल्दी सूखती है और सर्दियों में धीरे से सूखती है, तो बस उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है पानी का। अगर जल्दी सूखेगी, जितनी जल्दी सूखेगी उतनी जल्दी पानी देना है, और नहीं तो सर्दियों में तो एक हफ्ते में, एक हफ्ता लग ही जाता है। अगर आप घर के गमले को अच्छी तरह पानी देते हैं, उसे सूखने में 5 दिन या 7 दिन लग जाते हैं। तो इसको जो है फ्रेंड्स, जब पानी देंगे तो बेस में पानी देना, पत्तियों पे इसके पानी छिड़कना अवॉइड करें, क्योंकि उससे पत्तियाँ इसकी जल्दी ख़राब होती हैं और पीली पड़ के नीचे गिर जाती हैं। ये इसका नेचर है कि आप इसको जो है पत्तियों पे अगर ज़्यादा पानी इसके डालेंगे, उनको ठंडा रखेंगे पत्तियों को सर्दियों में, तो जल्दी ख़राब होगा पौधा जो है आपका, सारी पत्तियाँ उसकी गिर जाएंगी पीली होकर। तो सर्दियों में जो है पत्तियों पर पानी छिड़कना अवॉइड करें। प्रोपेगेशन की बात करूँ फ्रेंड्स, कि कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं, तो सीड से तो देखिए बहुत ही आसानी से ही ग्रो हो जाता है। जैसे आप इसे कहीं एक जगह लगाएंगे ज़मीन में या गमले में भी, तो अगर ज़मीन में लगाया हुआ है तो सेल्फ सीडिंग है, इसके बीज सूख कर गिरेंगे और खुद ही नीचे से कई सारे निकल आते हैं। और गमले में लगाया हुआ है तो जो गमले इसके पास में रखे होंगे उनकी मिट्टी में गिरेंगे बीज, तो वहाँ उग जाएंगे, या जो इसकी खुद की अपनी मिट्टी है उसमें गिर के उग जाएंगे, तो सेल्फ सीडिंग है। और अगर आप चाहते हैं कि बीज को कहीं डिज़ायर्ड लोकेशन में उगाना, तो आप इसके बीज तोड़ के ऊपर जो ये आप देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन से जो आपको नज़र आ रहे हैं, पर्पल से सॉरी, ये इसके बीज होते हैं। सुखा के, इसको सूखने के बाद आप इन्हें छिड़क सकते हैं, छिटक सकते हैं जहाँ जहाँ आप इनको ग्रो करना चाहते हैं वहाँ पर। तो कटिंग से भी वैसे ही ग्रो हो जाता है, एक तो सीड से ग्रो होता है, कटिंग से भी। कटिंग से फ्रेंड्स थोड़ा टिपिकल होता है एज़ कम्पेयर टू सीड से ग्रो करना, क्योंकि इसकी कटिंग जो है पानी में अगर आप ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाती, पानी में सड़ जाती हैं। आप इसके लिए अगर ग्रो करना चाहें कटिंग, तो बरसात के मौसम में आप कोशिश करें ग्रो करने की, या जो है फैब, मार्च या फैब में ग्रो करें तो ग्रो हो जाती है। उसके लिए आपको एक वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी पड़ेगी, तो रेत के साथ आप कोको पीट मिक्स करते हैं तो वेल ड्रेन भी हो जाती है और उसमें मॉइस्चर भी रिटेन रहता है। उस तरह की सॉइल में आप इसको, सॉरी पॉटिंग मिक्स में आप इसको ग्रो करते हैं, तो ये अच्छी तरह इसकी रूटिंग एक हफ्ते के अंदर ही डेवलप हो जाती हैं, एक हफ्ता लेता है। और 4 से 6 इंच के कटिंग जो है आप लेंगे आइडियल साइज़, तो अच्छी कटिंग ग्रोथ हो जाएगी इसकी। तो कटिंग जब भी ग्रो करें, मैक्सिमम कटिंग ग्रो करें, जिस लगाएं जिससे कि कुछ ग्रो जो है आपकी कटिंग चल पड़े। तो जब भी आप इसे फ्रेंड्स पोट में लगाएंगे, तो 12 इंच के पोट में आप एक प्लांट को ही लगाएंगे, और अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो 12 से 6 इंच की दूरी पे आप ये तुलसी फैमिली, तुलसी हुआ या जितनी भी टाइप्स के बेजिल हैं, मैं सबके बारे में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक प्लांट जैसे आपने लगा दिया तो दूसरा 12 से 16 इंच दूर उससे लगाएं, क्योंकि ये प्लांट्स फैलते हैं, जो बेजिल फैमिली के पौधे होते हैं फैलते हैं। तो 12 से 24 इंच फ्रेंड्स ये जो होली बेज, आई मीन सॉरी थाई बेजिल है, इसकी हाइट हो जाती है, और अच्छा खासा ये 12 से 14 इंच तक फैल जाता है, हेल्दी अच्छी तरह से चलता है। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं अच्छी तरह से, तो अच्छी तरह ग्रो होता है। तो गोबर की खाद आप इसको दे सकते हैं एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स इसे हम मेडिसिनल यूज़ में भी यूज़ करेंगे होता है, और हम अपने जो है काफ़ी सारी चीज़ों में इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ बेनिफिट्स में इसकी बताऊँ, एंटी बैक्टीरियल होता है, इस एंटी स्ट्रेस होता है। तो पत्तियाँ आप 2 पत्तियाँ थोड़ तोड़ के खा लें तो उससे स्ट्रेस कम होती है, डिसीज़ से बचाता है, ठंड से बचाता है। जैसे तुलसी की चीज़ें होती हैं, नेचर होता है ऐसे, सही इसका नेचर होता है, कोल्ड कफ जो होता है उसको भी ख़त्म करता है, पेट दर्द को ख़त्म करता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं सिर्फ ये आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको खाएँ विदाउट द डॉक्टर्स एडवाइस। तो मेरी जो नॉलेज है बस मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे तुलसी की आप सबको चीज़ें पता हैं, उसको हम लोग चाय में भी उसकी पत्तियाँ डाल के पीते हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूज़ करें। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई किसी के लिए एलर्जिक हो तो ये डिपेंड करता है। तो मैं सिर्फ आपको इसकी जो है हेल्थ बेनिफिट्स बता रहा हूँ, जो इसमें गुण होते हैं हेल्थ के लिए, वो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसे खाएं या यूज़ करें, एंटिल एंड अनलेस यू टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम डॉक्टर और एडवाइस। इफ़ यू गेट अ एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर देन यू कैन यूज़। तो ये बहुत अच्छा जो है हर्बल पौधा है, मेडिसिनल वैल्यूज़ इसकी बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए इसमें अगर आप इसको हेल्थ के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक खाद यूज़ कर सकते हैं सीज़न से पहले, सर्दियों से पहले देंगे और गर्मियों से पहले। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें मेरे फ्यूचर अपलोड्स के लिए और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल के साथ, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियोस को, और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ हैप्पी डे, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।